नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चले बढ़ते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों की ओर। प्रतीक सहज पर बिग बॉस के इतिहास में पहले ऐसे कंटेस्टेंट बन गए हैं जो शो के पहले ही हफ्ते में सबसे ज्यादा ट्रेंड हुए हैं। ट्विटर हैंडल बिग बॉस खबरी के अनुसार प्रतीक सहज पर बिग बॉस के पहले ऐसे कंटेस्टेंट है जो शो के पहले हफ्ते में 100K ट्वीट हासिल कर चुके हैं। पटना के कई शहरों तक पहुंचने के लिए फ्लाइट में मिनिमम और मैक्सिमम किराए में बढ़ोतरी हुई है। पटना से दिल्ली का न्यूनतम किराया 4000 से 4500 और इसके साथ ही अधिकतम 11700 से 13200 रुपए हो गया है। बता दें कि सर्व विमान किराए में ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी क्षेत्र के डोकियाला दर्रा में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया। डोकियाला दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 18300 फीट है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ा दी गई है। अब 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल गैजेट ऐप इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें मोज, शेयरचैट, भीम यूपीआई, बॉबल एआई और कू ऐप शामिल है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी राजद में नाराजगी दिखी है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजद कार्यालय में झंडोत्तोलन होना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया और शुभकामनाएं दी। अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को शुभकामना और बधाई दी है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ऐतिहासिक भाषण दिया। वो कर्मयोगी है। लाल किले से उन्होंने अपने संकल्प को देश के सामने रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामना दी। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि भारत ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लंबी यात्रा के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के ओलंपिक दल की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न टोक्यो खेलों में उनके प्रदर्शन ने देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर ओलंपिक खिलाड़ी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद, विस्तारवाद दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है, हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है, सेना के साथ मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर बीती रात अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी संग शादी के बंधन में बंध गई है। वहीं शादी समारोह खत्म होने के बाद खुद अनिल कपूर ने बाहर आकर सारे फोटोग्राफर्स और पेपराजी को मिठाइयां बांटी। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के त्राल में बुरहान वानी के पिता ने तिरंगा लहराया है। दरअसल बुरहान वानी के पिता मुजफ्फरपुर अहमद वानी हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने स्कूल में तिरंगा फहराया। लॉर्ड्स में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज के दूसरे दिन मैच के दौरान एक शर्मनाक घटना देखने को मिली। दरअसल मुकाबले के दौरान केएल राहुल के ऊपर कुछ दर्शकों ने बियर के ढक्कन फेंके। इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस पर नाराजगी जताते हुए गुस्से में राहुल से ढक्कन वापस दर्शकों की ओर फेंकने को कहा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 36,083 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,21,92,000 हो गई है। इस दौरान 493 लोगों की जान गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 4,31,225 पर पहुंच गई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर खास बात कही है। परेश रावल ने बड़े पर्दे पर वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया है, लेकिन वो कहते हैं कि आज के दिन विशेष रूप से मुझे उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली बॉर्डर और देश के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा मार्च निकाल कर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का विरोध किया है। किसान कुछ दिन पहले ही घोषणा कर चुके थे कि 15 अगस्त को वो किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर न्यायमूर्ति चित्तोष मुखर्जी उस पल को याद करते हैं। उस समय 18 साल के थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगस्त 1947 के पहले सप्ताह में हमें पता चला कि 15 अगस्त 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख के साथ बैठक करेंगी। बैठक का मकसद बैंकों के प्रदर्शन और कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करना है।
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल देश की विविध नृत्य शैली और परंपराओं को समर्पित किया और इसके जरिए भारत की अनेकता में एकता का संदेश देने के साथ ही राष्ट्र की जीवंत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। पेंगोंग झील के किनारे तैनात ITBP के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान जवानों ने भारतीय माता की जय के साथ ही वंदे मातरम का नारा भी लगाया। इतना ही नहीं, चीन की सीमा के पास यहां तैनात जवानों ने 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान जनगणमन अधिनायक जय है भी गाया। दिल्ली NCR में 15 अगस्त को पतंग उड़ाने का चलन है। करीब 23,000 साल पहले चीन के एक दार्शनिक ने पतंग को बनाया था। दुनिया की पहली पतंग बनाने वाले दार्शनिक का नाम हुआंग थेग बताया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल सितंबर से घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत करने की योजना बनाई है। BCCI के घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत सितंबर में U19 लड़कों के एक दिवसीय टूर्नामेंट यानी कि बीनू मांकड़ ट्रॉफी के साथ होगी। यह टूर्नामेंट बायो बबल वातावरण में खेला जाना है। पर्यटन मंत्रालय 12 एपिसोड की श्रृंखला लेकर आ रहा है जो आपकी आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य के अतुल्य भारत की एक आभासी यात्रा पर ले जाएगा। मंत्रालय भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के सहयोग से श्रृंखला शुरू करेगा। राज्यसभा में सदन की मर्यादा तोड़ हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सभापति वेंकैया नायडू सख्त एक्शन की तैयारी में हैं। इन सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इसको लेकर जानकारों की राय ली जा रही है। सदन में जो कुछ हुआ उसे लेकर नायडू एतराज जता चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई के IAS राजा स्कूल में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर अपनी बात रखी। हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाए लेकिन आपके फोन में जो भी चार्ज है वो चीन से ही आती है। जब तक चीन पर निर्भरता रहेगी तब तक चीन के सामने झुकना पड़ेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से निलंबित कर दिया था। विनेश फोगाट ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ से माफी मांगी है लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए विनेश फोगाट को WFI से अनुमति मिलने की संभावना बेहद कम है। भारत के नामी एडटेक स्टार्टअप बड़ा बिजनेस के CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रागस्त को उभरते हुए उद्यमियों के लिए मार्केटिंग का महाकुंभ नामक एक मुफ्त वेबिनार उन्होंने आज आयोजित किया है। इस वेबिनार के मुख्य तौर पर मार्केटिंग की मुख्य रणनीति गुरिल्ला मार्केटिंग सर्विस प्रेजेंटेशन वैल्यू इज मार्केटिंग मोमेंट मार्केटिंग के साथ साथ अंडरकवर मार्केटिंग अनेक मार्केटिंग रणनीतियों को समझाना था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को राष्ट्रपति भवन में हाई टी पार्टी का आयोजन किया था। इस हाई टी पार्टी में देश के खिलाड़ी पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके का तुरतुक गांव बंटवारे के वक्त ये पाकिस्तान में था। चूंकि ये गांव दोनों मुल्कों की सरहदों के बीच स्थित था लिहाजा यहां बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी थी। यहां के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए थे। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी तो तुरतुक भी उसके हाथ से निकलकर भारत में शामिल हो गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, आनंद कुमार, अमेजिंग स्टडी, शशि सिंह, सिफोन ठाकुर, हम आप तक, मनीष मेहरा, सुजीत कुमार वर्मा, सत्येंद्र कुमार, भावेश कुमार, अजय कुमार, मनु कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी आज देश में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बदलाव की जरूरत है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।